अफरीदी, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ और मैं सकलैन मुश्ताक के खास तौर पे मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा। हारिस रऊफ हैज़ बीन बॉलिंग एट 150 किलोमीटर इन आवर फॉर द लास्ट वन ईयर, स्पेशली जब से 2021 का वर्ल्ड कप खेला है। उससे पहले 10 रन पर ओवर पे जा रहा था। डेथ की ओवर्स की इकोनॉमी कम हुई, 8 रन पर ओवर पे आ गई 151 किलोमीटर। जब से वो इंग्लैंड के पहले टेस्ट में इंजर हुआ है, उसके बाद से सिंस ही हैज़ रिटर्न्ड, आई हैव बीन मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट एवरी डिलीवरी, 145 के ऊपर से जा ही नहीं रहा है। सकलैन भाई, इज ही इंजर्ड इन सम वे और इज ही नॉट फुली फिट? आज भी आप देखें कोई उसकी बॉल जो है 145 के ऊपर से नहीं गुजरी। व्हाट्स हैपनिंग? देखें, इंजरी जब भी होती है उसके बाद 5-6-7 मैच लगते हैं आपको अपनी पुरानी पेस पे और पुराने रिदम में आने के लिए। अगर रिहैब पूरा ना किया हो तो ये चीजें और ऐड हो जाती है। जितना फिजिकली फिट होगा उतना मेंटली फिट होगा, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। डू यू थिंक ही इज आल्सो बीइंग अ बिट केयरफुल कि कहीं मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं? हो सकता है उसके दिमाग में हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। एक चीज कमेंट करने, क्योंकि आपके लिए एक सवाल आया है, इसलिए कि मेलकम मार्शल जो कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर था और सबसे तेज बॉलिंग करता था, उसकी स्पीड समझे कि 92 से 90 पे पहुंची तो उसको खेलना आसान हो गया। और इसमें होता क्या है कि जैसी ड्रॉप होती है पेस, तो आपको गेंद ज्यादा नजर आता है तो बैटिंग आसान हो जाए, मगर फिर बॉलर को यह करना है कि जैसे ही पेस थोड़ी सी कम होती है उसको अपनी लाइंस और लेंथ एडजस्ट करनी है। ये नहीं हो सकता कि वो अभी भी समझे कि 150 क्लिक्स पे जाएगा और उसी तरह से यॉर्कर पड़ेगा, क्योंकि यॉर्कर अब पहले दिख जाता है तो अगला बंदा उसको फुल टॉस बना देता है। तो जो एडजस्ट करना है ना थोड़ा सा रऊफ को, वो ये करना है। इसमें एक और चीज ये है कि जितना तेज गेंद होगा और स्लोअर वन किया जाएगा तो बहुत ज्यादा डिसेप्शन बन जाएगी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।